इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग हैं जो महाराष्ट्र से आए हुए थे और उस वक्त विजिटर गैलरी में ही मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि संसद भवन के बाहर ये लोग निकले हैं। अभी कुछ रिलैक्स जरूर लग रहे हैं, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त निश्चित तौर पे एक पैनिक सिचुएशन था अंदर। जब ये घटना हुई उस वक्त तो थोड़ा डर का माहौल जरूर हुआ, काफी डर गए थे हम लोग। अच्छा, उम्मीद थी कि ऐसा पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है? नहीं, उम्मीद नहीं था, ये इतनी सिक्योरिटी के बाद उम्मीद नहीं थी। क्या देखा था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? दो लड़के थे, एक के पीछे दोनों ने जंप कर लिया नीचे और फिर बाद में स्मोक आया। अच्छा, तो स्मोक उन्होंने कूदने के बाद वो, हाँ, कितनी देर में सिचुएशन सुरक्षा कर्मियों ने कंट्रोल कर लिया होगा? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, हार्डली 1 मिनट के अंदर तो उन लोगों को मारना चालू कर दिया है। अच्छा, आप लोग भी वहीं पर मौजूद थे, क्या देखा? नहीं नहीं, सब जो सब बोल रहे वही हुआ है। अच्छा। उन्होंने अपने स्मोक बॉम्ब डाले और फिर बहुत जल्द सिचुएशन को हैंडल कर लिया था उधर के MLAs एंड एवरीवन, दे वर क्वाइट हेल्पफुल। और हम बहुत जल्द हमें बाहर निकाला दिया था। बहुत सारे MPs भी रहे होंगे, उनके बीच भी एक डर का माहौल? नहीं नहीं, दे वर ऑल वेरी क्विक इन टेकिंग द एक्शन। उन्होंने बहुत जल्द सब उनको पकड़ भी लिया और एक्शन भी ले लिया और सिक्योरिटी भी बहुत ही फास्ट अंदर आके सबको इवैक्यूएट कर दिया था। ये कूदने वाले जो लोग थे, आप लोगों से कितनी दूरी पर थे वो लोग? आसपास One bench ahead. MPs ने उनको पकड़ा पहले या फिर सुरक्षा कर्मी आ गए थे? पहले MPs ने पकड़ा और उन्हें मारने लग गए। देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। उस वक्त अफरा तफरी का एक माहौल जरूर हुआ था, लेकिन बाद में स्थिति को सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत नियंत्रण में ले लिया। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद थे कि नहीं? थे, वहीं पे थे भाई, उनको कूदते हुए देखा ना। एक पहले एक बंदा कूदा तो हमको लगा शायद वो इस बालकनी से उस बालकनी में जा रहा है और स्लिप होके नीचे गिर गया, तो उसके पीछे दूसरा भी कूद गया। और जब हमने ऊपर से नीचे देखा तो वो पूरे जो बेंचेस होते हैं उसके ऊपर से भाग रहा था वो। फिर जो MPs है उन्होंने उसको दबोच लिया, फिर सिक्योरिटी आई और उसने जूते में से कुछ निकाला जिसमें से येलो स्मोक आ रहा था, इट वॉज लाइक अ स्मोक बॉम्ब बोल सकते हैं इसे। तो सिक्योरिटी ने सबको फिर बाहर हटा दिया हमको। कितनी देर का ये मंजर रहा होगा और पैनिक सिचुएशन भी होगा? ये 3-4 मिनट हो गए रहेंगे उसमें, बट इट वॉज ऐसे लाइफ में ऐसे कभी देखा नहीं ऐसे कि हाँ, ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है ये कि छोटे बच्चों के साथ आप परिवार के साथ? हाँ, सब पूरे सब फैमिली के साथ थे सब, और फोर्थ गैलरी में ही थे। हमारे जो सांसद है महाराष्ट्र से कोल्हापुर के, उनके साथ आए थे, वो भी हमारे साथ में थे। कितने सदस्य आप लोग फैमिली के? 18 लोग थे हम लोग। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार आया हुआ था, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, खुद आए हुए थे। लेकिन जिस वक्त ये इस तरह की ये घटना हुई, स्थिति हुई, अचानक से दो लोग गैलरी से अंदर कूदे, उसके बाद इनके बीच में एक डर का माहौल जरूर हुआ, लेकिन इनका कहना है कि 3 मिनट के अंदर ही लगभग स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था, उसके बाद चीजें सामान्य हुई। लेकिन इस तरह की कोई घटना इन्होंने आज तक न देखी थी, न इस घटना की इन्हें उम्मीद थी कि ऐसा भी कुछ संसद भवन के अंदर जो कि सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है वहां भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो निश्चित तौर पर एक सिक्योरिटी ब्रीच, इसको लोग जरूर मान रहे हैं। टीवी